स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की, वृंदावन चंद जू की जय, समस्ताचार्य वृंदन की जय, गुरुदेव शरणारविंद की जय, श्री स्वामी पीतामर देव जी महाराज की जय, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, श्री हरिदास। प्रेमी रसिक भक्त, आप सभी स्वामी श्री पीतांबर देव जी महाराज का चरित्र, उनकी रहनी रीति ये सब श्रवण कर रहे थे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री पीतांबर देव जी महाराज की परिवारिक जन वृंदावन में मोह ममतावश फिर भी आ गए। बहुत ब्राह्मणों को लेके उनके पिताजी चौबेलाल जी पुनः फिर आए, जो कि पत्र भी लिख दिया था, मोह ममता ऐसी होती है संसार। फिर पुनः आए, ये सूचना मिली पीतांबर देव जी महाराज को और श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज ने उनको आज्ञा दी कि तुम लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए और इन परिवारिक जनों से बचाव करते हुए बचने के लिए तुम कुछ दिन भ्रमण करो, हमारी आज्ञा है। यद्यपि जो वृंदावन के अनुयायी होते हैं वो कहीं जाना ही नहीं चाहते। सहज स्नेही श्याम के बन बस अन तन जाए, जी रांचे सारे देश सो जहां तहां ललचा। जो बिहारी जी महाराज के सहज स्नेही है, वृंदावन के सहज स्नेही है, वृंदावन को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी रसिक मानुभाव एक संसार के जीवों पर कृपा करने के ताहीं और जहां तहां वो भ्रमण करते हैं जाना होता है। तो उनकी प्रिय प्रत्येक क्रिया कृति वृत्ति महान पुरुषों की ऐसी होती है, कोई सेवा करता है, कोई धन करता है तो उनके धन को लाके यहां सेवा में लगाते हैं, तो ये भी उनका कल्याण करते हैं और उनको सत्संग सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, अपनी रहनी रीति से उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। यानी हर क्रिया के द्वारा संसार का कल्याण। वृक्ष के कबहू ना फल भख है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे ये साधु न धरो शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती, संत लोगों ने जो शरीर धारण किया है एकमात्र दूसरों के कल्याण के लिए। नित्य सिद्ध महापुरुष एकमात्र उनका निजी स्वरूप धाम में अपने नित्य कुंज बिहारी विहारिन के अंगसंग रहता है, लेकिन यहाँ रूप धारण करते हैं जो एक संत भेष में एकमात्र संसार के कल्याण के लिए करते हैं। बोलो बिहारी जी महाराज। जो नहीं होते संत तो जर मरतो संसार, आग लगी आकाश में जर जर गिरत अंगार, जो नहीं होते संत रसिक तो जर मरतो संसार। मोह की अग्नि में ये संसार जल रहा है, अगर संतों का सानिध्य नहीं है, गुरुओं का सानिध्य नहीं है, महापुरुषों का सानिध्य नहीं है तो इस संसार के पास है क्या? कुछ नहीं है, ये मोह की अग्नि में जलेगा। तो गुरु आज्ञा को प्राप्त करके स्वामी श्री पीतांबर देव जी महाराज
श्री गुरु जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना हम दासों को श्री स्वामी बिहारेन्द्र देव जी महाराज भी बता रहे हैं। स्वामी जी मेरी गुद री निर्वाह, हे स्वामी जी महाराज, हे गुरुदेव, आप ही, पीताम्बर देव जी महाराज कह रहे हैं, या दास की सब तरीके से रक्षा करने वाले आप हो। माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है, गुरुओं का संतों का सानिध्य हटते ही पता नहीं माया कहां से दबा लेगी। यद्यपि पीताम्बर देव जी महाराज नित्य से गुणा पुरुष, माया का प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी गुरुओं से प्रार्थना करना ये एक कर्तव्य बराबर। और हम दासों को शिक्षा देते हैं, तभी माया से बच सकते हैं, जब श्री गुरु के चरणों में निष्ठा भाव से प्रार्थना, स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा। शरण गहो हरिदास की, माया छुबे न छां, कुंज बिहारिन लाडली बे गएंगी। स्वामी जी की शरण ग्रहण अनन्य भाव से, माया फिर जो है दूर भाग जाएगी, दीन भाव। माया छुबे न छां और कुंज बिहारिन लाडली बे गएंगी वहां, कुंज बिहारिन लाडली जल्दी से जल्दी हाथ पकड़ लेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज। तो श्री पीताम्बर देव जी महाराज प्रार्थना रहते हैं और वृंदावन से उनको जाना पड़ रहा है भ्रमण के लिए। स्वामी जो मेरी गोदरी निर्वाह, गोदरी निर्वाह, स्वामी जो मेरी गोदरी निर्वाह, स्वामी जो मेरी, स्वामी जो, स्वामी जो, स्वामी जो मेरी गोदरी हो नहीं समरथ, ऐसा हो नहीं समरथ, ऐसा तुम गा प्रभु बाहु, तुम गा प्रभु बाहु, स्वामी जो मेरी गोदरी निर्वाह, मेरी गोदरी तुम्हारी माया लोभ है, तुम्हारी माया हे महाराज, हे स्वामी जी बिहारी जी महाराज, ये माया का बड़ा विचित्र खेल है, इसलिए आप ही कृपा करके मेरे भेष की रक्षा हो सकती है, मेरी गोदरी की, करुआ गोदरी की रहनी, इसके चरणार बंदों में अखंड रति, ये आपकी कृपा से आपके श्री चरणों में रति हो सकती, आप ही मेरे संग
हमेशा। तुम्हारी माया लोभ लहे बोरत गही ग्राहु, बोरत गही ग्राहु। जैसे ग्राह जल का जीव है, पकड़ लेता है ना ग्राह किसी को, उसी तरीके से ये माया ग्रस लेती। आपकी कृपा से ही संभव है बचना। तुम्हारी माया लोभ लहे बोरत गई ग्राहु। बिहारी दास प्रभु राखिले, बिहारी दास प्रभु राखिले शरण। बिहारी दास प्रभु राखिले शरण, अब की ओर निवाहु, अब की ओर निवाहु। कामिनी मेरी गोदरी निर्वाहु, कामिनी मेरी गोदरी निर्वाहु। बिहारी दास प्रभु राख ले शरण, अब की ओर ही महाराज आप ही निभा सको, कृपा कर सको। स्वामी जी महाराज श्री स्वामी पीतांबर देव जी महाराज श्री गुरु चरणारविंदों में श्री वृंदावन धाम स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते भाई और बाहर भ्रमण के लिए जो है प्रस्थान करते हैं। इष्ट के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में दीन भाव से प्रार्थना रत रहता हमेशा हमेशा ये जीव तो माया छुबे न छा। श्री स्वामी पीतांबर देव जी महाराज हाथ में करुआ जी, गले में गुदरी, परम व्रक्त महाव्रक्त भेष धारण किए हुए अत्यंत परमहंस चूड़ामणि सुशोभित होते हैं। कोई भी दर्शन करता है आनंद हो जाते हैं। ऐसे श्री पीतांबर देव जी महाराज यहां से गोवर्धन के लिए प्रस्थान किया और आमेर, लोहागढ़, मालकीत, पुष्कर, नाथ द्वारा एकलिंग और ब्रह्मकुंड, गिरनार, सुदामापुरी, गोमती संगम, द्वारका, गोपीचंदन, पिंडारक, तीर्थ हलवद, यानी पिंडारक तीर्थ में भी और हलवद, मोरबी, बीसल नगर, यहां सब जगह भ्रमण करते हुए सिद्धपुर आए। श्री कर्दम ऋषि जी का आश्रम तपस्थली, वहां बिंदु सरोवर में स्नान किया और प्रसन्न हुए। वहां अच्छी भूमि देख के, जहां श्री कर्दम ऋषि जी की तपस्थली थी बिंदु सरोवर, वहाँ सुंदर अच्छी भूमि लता पताएं देख के वहाँ आप 6 महीना निवास किए, यानी कुछ दिन वहाँ रहे। रोजाना के रोजाना बिंदु सरोवर में स्नान करते और प्रिया प्रीतम का ध्यान करते, अपनी रहनी में दृढ़। श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कहते हैं
नागर रसिक अनन्य संग वर वृंदावन जान। गान बिहारी को दरस बानी जमुना पा। रसिकन के संग, पहली बात तो रसिक जन, अनन्य रसिक जन ये वृंदावन से बाहर नहीं जाते, फिर भी इनको जाना पड़ा किसी कारण से, तो उनके लिए बताया गया है कि नागर रसिक अनन्य संग वर वृंदावन जान। इनके संग संग वृंदावन धाम है। गान बिहारी को दरस बानी जमुना पान। गायन करते हैं बिहारी बिहारन का, समझो बिहारी जी के दर्शन है। वाणी में अवगान करते हैं, हेलमाल जी पाठ करते हैं, अष्टाचार्यों की वाणी में अवगान करते हैं, समझो यमुना स्नान है। वृंदावन में यमुना स्नान है, बिहारी जी के दर्शन है, तो रसिकन के संग इस प्रकार दर्शन है जी। यमुना जी की पुलिन पुलिन पुल कावल तन में, जो बिहारी बिहारन के प्रति उद्गार है, आनंद है कि बढ़वार है हृदय कमल में, वही पुलिन पुलकावली, पुलकायमान हृदय है, तन पुलकायमान है, प्रिया प्रीतम के प्रेम से यही पुलिन में बैठना है। पुलिन पुलकावली तन में अनुभव सरस विलास बिहारिन प्रगटत मन में। ऐसी रीति से ये रसिकमान भाव बाहर रहते हैं, इनके हृदय कमल में बिहारी बिहारन अनुभव सरस विलास, जो बिहारी बिहारन का विलास है, केली विलास है, बाको अनुभव इनके हृदय में बराबर होता रहता है। जैसे स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, भगवत नित्य विहार प्रेम उमगन रस सागर। नित्य विहार प्रेम उमगन, क्षण प्रतिक्षण उमड़न उमगन उमंग इनके हृदय में बराबर रहती है, नित्य विहार दर्शन होता रहता है। भगवत नित्य विहार प्रेम उमगन रस सागर, कुंज कुटी अभिराम भावना निरखे नागर। बोलो स्वामी जी महाराज, ये अपने हृदय रूपी कुंज कुटी में भावना के आधार पे उस वस्तु का अवलोकन करते रहते। जो कछु होत बिहार में उदय होत जियान, जैसे जल को आगमन मोरन को पहचान। श्री पीताम्बर देव जी महाराज सहज बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं, कर्दम ऋषि का स्थल पावन स्थल, सहज लताओं में बैठ के प्रिया प्रीतम का चिंतन ध्यान मनन गायन पाठन पठन सहज आनंद में डूबे होते। ये रसिकमान भाव जाते नहीं, और जाते हैं तो जहां चले जाते हैं वहीं वृंदावन इनके साथ में रहते। अहर्निश युगल मंत्र का जाप बराबर जाप करते हैं। जो त्रिविध ताप हैं इनको स्पर्श नहीं कर सकते, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो दैविक दैहिक भौतिक ताप हैं ऐसे महापुरुषों को स्पर्श नहीं कर पाता, माया का प्रभाव इनको स्पर्श नहीं कर पाता। और वहां कोई भी प्रेमी भक्त कोई शुद्ध भाव से प्रसादी लाते, वस्तु ले आते, तो इसको प्रेम से बिहारी बिहारन को स्वामी जी का भोग लगा के और चौथो अंश आहार दे भजन राग भंग। भूख का चौथा अंश पाते थे। यारंदेव जी महाराज ने कहा है कि वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, वायु अग्नि जल और अन्न चार उदर के अंदर यानी पेट के अंदर ये चारों वस्तु रहती हैं, वायु जल अग्नि और अन्न। तो अन्न भजन कब होगा, जब चौथे रूप में अन्न होगा,
तो भजनाशील महापुरुष बहुत कम प्रसाद पाते हैं। चौथे अंश हृदय, क्योंकि जल के लिए भी जगह चाहिए, अग्नि के लिए भी जगह चाहिए और हवा के लिए भी जगह चाहिए। बोलो बिहारी जी महाराज, वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश हृदय भज अनुराग अभंग। फिर अभंग अनुराग होता है, यदि ज्यादा प्रसाद पाएंगे तो अनुराग नहीं होगा, सोने को राग होगा, अधिक नींद आएगी। बोलो बिहारी जी महाराज, जो सेवा में ज्यादा रत रहते हैं उनको थोड़ा ज्यादा पाना चाहिए, लेकिन जो सहज अनुरागी भजनानंदी हैं उनको बहुत तरीके से जो है प्रसाद पाना चाहिए। जिनका सेवा धर्म विशेष है उनको थोड़ा ज्यादा पाना चाहिए। बोलो बिहारी जी महाराज, इस तरीके से रहनी है। तो इस तरीके से श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, मुझसे स्वामी पीतांबर देव जी महाराज सहज अपनी जो वृंदावन में रहनी थी उसी रहनी को वहां भी निभा रहे हैं बराबर। होता क्या है, ऐसी रहनी से रहते हुए उनके सामने, यानी 6 महीना बीत गए वहां बिंदु सरोवर पे, दृढ़ रहनी, सुदृढ़ रहनी, चिंतन मनन भजन परायण, एक अद्भुत पुरुष उनके सामने आया, एक दिव्य पुरुष। बाकू देख के श्री पीतांबर देव जी महाराज परम सुखी हुए, प्रसन्न हुए। ध्यान की बात है, जो संत हृदय है, हरि भक्ति परायण हृदय है, उनको देख के बराबर प्रसन्नता होती है संतों के हृदय में, भक्तों के। जो विरोधी तत्व है वो अलग प्रकार का, सहज प्रसन्नता हुई पीतांबर देव जी को। तो उस दिव्य पुरुष को देख के पीतांबर देव जी महाराज बोले, तुम कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। वह पुरुष बोला कि मेरा नाम नागार्जुन है, मेरा नाम नागार्जुन है और मैं इच्छाचारी हूं, चाहे जहां जा सकता हूं थोड़ी देर में, और चाहे जो प्राप्त कर सकता हूं, जो चाहूं मैं इच्छाचारी हूं, जो मैं इच्छा करूं वही मेरे सामने वस्तु प्रकट हो जाती है। ऐसा पुरुष श्री पीतांबर देव जी महाराज के सामने प्रकट हुआ और बताया नागार्जुन ने कि मैं योग युक्ति में अति निपुण हूं, मेरा स्थान भी बड़ा विचित्र है, और देखो ये जो पर्वत है इसका नाम है आबू पर्वत, इसमें बड़े बड़े योगी पुरुष, योग साधना करने वाले सिद्ध परोख रूप में विराजते हैं, जिनके बहुत बड़े भाग्य होते हैं, जिनका भक्तिमय जीवन होता है उन्हीं को दर्शन प्राप्त होते हैं उनके, अनेक सिद्ध हैं, मुनि हैं, जिन्होंने संसार की सारी व्याधियों को त्याग रखा है, संसार की व्याधि उनको स्पर्श नहीं कर सकती है, ऐसे ऋषि मुनियां यहां निवास करते हैं, ये परम तपोमूर्ति हैं, यहां का जो स्थल है तप स्थल है, और ये सब हरि के ध्यान में रहते हैं, यहां के जितने भी महापुरुष लोग हैं परोक्ष रूप में रहते हैं, हरि के ध्यान में रहते हैं, प्रकट में भी रहते हैं, हरि के ध्यान में लीन रहने वाले हैं। और यहां कपिल देव जी महाराज का भी धाम है, जो सांख्य योगी सिद्धों के शिरोमणि हैं, जो श्री कपिल देव जी महाराज, उनका भी धाम स्थल यहां है। वो परम स्वच्छंद रूप से और
विश्राम करते हैं, आनंद में रहते हैं, साधना में हरि के ध्यान में रहते हैं। चलो मेरे संग चलो तुम, मैं तुमको कुछ विशेष दर्शन कराता हूं। बोलो बिहारी जी, नागार्जुन ने और पीतांबर देव जी से कहा, एक से एक अधिक सुख तुमको दिखाता हूं। पीतांबर देव जी ऐसे महापुरुष की बात को सुन के और उनके संग संग चल दी। एक योजन में, यानी एक घड़ी में, एक घड़ी में छह योजन चले। छह योजन का मतलब होता है 24 कोस। 24 कोस का मतलब होता है 72 किलोमीटर और एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। एक घंटा ढाई घड़ी का होता है इस तरीके का वर्णन। तो 24 घड़ी में और यानी 24 घड़ी एक घड़ी में 24 मिनट में, आज के हिसाब से मिनट कह सकते हैं, 24 मिनट में 72 किलोमीटर चले। बोलो बिहारी जी महाराज। श्री पीतांबर देव जी महाराज अपने इष्ट की महाछवि में छके हुए उन्मत्त आनंद में सहज उनके साथ साथ चलते रहे आनंद। अब नागार्जुन आगे पहुंच के वहां कहने लगे, ये जो सामने दिख रहा है जी आवास, ये पर्वत जो दिख रहा है, आबू पर्वत सामने जो दिख रहा है, अर्ध योजन यानी इसकी ऊंचाई कितनी, अर्ध योजन, एक योजन में 4 कोस, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई है इस पर्वत की ऊंचाई। तो हे पीतांबर देव जी, जो सामने दिख रहा है ये पर्वत और उसके पास कोटा है, कोट बना हुआ है और उसका बहुत सूक्ष्म द्वार है और उस सूक्ष्म द्वार पे एक बहुत बड़ा भयंकर सिंह बैठा होता है, सिंह बैठा हुआ है, विकराल सिंह, एक सिद्ध सिंह के रूप में बैठे होते हैं वहां। और उस कोट में सांख्य योगियों के सिरमौर सिद्ध श्री कपिल देव जी महाराज विराजते हैं। बोलो यारी जी महाराज की। पर्वत की चोटी पर तुम जाके निर्भीक अवस्था में उनके दर्शन कर आओ और मैं नीचे खड़ा हूं, तुम चले जाओ ऊपर। नागार्जुन ने श्री पीतांबर देव जी महाराज से कहा, लेकिन ध्यान रखना वहां जो सिंह की दहाड़ से, वहां के नाना प्रकार के आवरण से अगर तुम भयभीत हो गए, डर गए, तो तुम आधे सिद्ध हो गए। अगर नहीं डरे, निडर रहे, तो तुम पूरे सिद्ध हो जाओगे और कपिल देव जी महाराज के तुमको दर्शन भी होंगे। बोलो यार जी महाराज की। श्री पीतांबर देव जी महाराज चोटी पर चढ़ गए वहां। बोलो यार जी महाराज की। निर्भीक थे पीतांबर देव जी महाराज, सिद्धों के सिद्ध थे पीतांबर देव जी महाराज, स्वामी जी के लाडले थे, स्वामी जी के घराने के, स्वामी जी सिद्धों के सिद्ध हैं पीतांबर देव जी महाराज। और वहां सिद्ध गंगा बहती है उस पर्वत के ऊपर, सिद्ध गंगा। जब पीतांबर देव जी महाराज सूक्ष्म द्वार के निकट और वहां पहुंच गए उस कोटा के और सिद्ध गंगा के भी दर्शन किए, वहां उस सिंह ने गर्जना पीतांबर देव जी को देख के, एक सिद्ध जो सिंह के रूप में रहते वहां, उस सिंह ने बहुत विकट गर्जना करी, भयंकर गर्जना, भयंकर गर्जना करी
ये निर्भय रहे, तनक मात्र भी कोई भय नहीं। स्वामी जी के श्री चरणों में मन रहता, बिहारी व्यारण का चिंतन रहता, निर्भय। जो कि वहां एक तरह निर्जन थे और कोई नहीं दिख रहा है, वहां निर्जनपन है और उस पर्वत का इतना विकट स्वरूप है जिसका कुछ कहना नहीं। बड़े बड़े जो है आम के और जामुन के बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, हाथी हैं और भालू हैं, सिंह हैं, उसको चारों तरफ तरीके का मामला। लेकिन श्री पीतांबर देव जी उस सिंह की गर्जना से और भयभीत, कोटा पर कोटा है, वहां पर कोटा के अंदर बैठे हुए हैं श्री सिद्ध सांख्योगी सिद्धों के सिरमौर श्री कपिल देव जी, और उस सूक्ष्म द्वार पर सिंह है। तो सिंह की गर्जना से भयभीत नहीं हुए, निशंक भयभीत नहीं हुए, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि अब तुम प्रसिद्ध सिद्ध हो गए, अब तुम सिद्ध हो गए, तुमको सिद्धि प्राप्त हो गई, परम सिद्ध हो गए, अब तुम तत्क्षण यहां से लौट जाओ। अब तुम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात तुम्हारे कानों में अपने आप आएंगी। आध मध्य अवसान इनका निर्णय तुम्हारे पास अपने आप होगा, तुम्हारे कर्णों में आवाज आएगी, सारी रिद्धियां सिद्धियां जो भी हैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगी, तुम सिद्ध हो गए। बोलो बिहारी जी महाराज। और जब तुम इस पर्वत से उतर के नीचे पृथ्वी पे जाओगे तो तुमको मेरा दर्शन भी होगा। बोलो बिहारी जी महाराज। ये आकाशवाणी हुई। मेरा दर्शन का मतलब श्री कपिल देव जी महाराज का दर्शन। श्री पीतांबर देव जी महाराज उतर के नीचे आए, वहां नागा अर्जुन नहीं मिले, नागा अर्जुन नहीं मिले, और वहां दो पुरुष, दिव्य दो पुरुष दिखाई, कंठी है, मस्तक पे तिलक है, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव दो, उनके दर्शन है। तिलक कंठी धारण हुए, बड़े अतीत वैष्णव हैं, परस्पर दंडवत, उन्होंने दंडवत करी पीतांबर देव जी के लिए और आपस में बातचीत करने लगे। जैसे कि परस्पर गहरे मित्र हैं, इस तरीके से आपस में बात होने लगी। रसिक वैष्णव संत यहां मिलते हैं, रहनी गहनी स्वभाव, इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चुपचाप। जहां इष्ट धर्म रहनी गहनी स्वभाव जहां मिलते हैं तो वहां प्रसन्नता होती है परस्पर। तो तीनों परस्पर विचरण कर रहे हैं। उन्होंने दोनों जो है पुरुषों ने उस पर्वत के दर्शन कराए, स्वयं भी किए, और बड़ा भयंकर जंगल है, भयभीत पर्वत है, कांटों से बड़ी सघनता है, भरे हुए चारों तरफ सघन वृक्ष हैं, भयंकर सिंह हैं, बाघ हैं, भालू हैं, हिंसक पशु हैं, और रोज हैं, नीलगाय हैं, हिरणों के झुंड हैं, अजगर सर्प हैं, सांपों का बड़ा बड़ा समूह है, और बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, आम जामुन सेब आदि के बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, और इस तरीके से और वहां झरना भी झर रहे हैं, झरना भी झर रहे हैं पर्वत पे, ऐसी पर्वत की जो है भयभीत दशा देख के आनंद भी आ रहा है, लेकिन एक आश्चर्यचकित भी है। भय का तो काम है ही नहीं, लेकिन आश्चर्य, कितना सुंदर स्थल है, लेकिन कितनी सघनता, इतनी विकटता है यहां,
इस तरीके से, और वहां बड़े प्राचीन मंदिर भी हैं, प्राचीन प्राचीन मंदिर भी हैं, इस तरीके से वहां देखा। ऐसे परम गहन सिद्ध स्थल पर श्री पीतांबर देव जी महाराज ने अपनी दृष्टिपात करी तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर लगा। इस तरीके से उन वैष्णवों के साथ भ्रमण करते हुए श्री स्वामी पीतांबर देव जी महाराज आगे चलकर पहुंचे एक पेड़ की छाया में खड़े हुए बैठे, तो क्या देखते हैं वहां एक और एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दुर्बल देह है, लटे पटे हैं, दुर्बल देह है, और सिर पे एक कपड़ा रखा हुआ है, वैसे वस्त्रहीन है, सिर पे कपड़ा रखा हुआ, पुराना सा कपड़ा है, और हाथ में खुरपा है, और उस खुरपा से घास खोद रहे हैं। बोलो बिहारी जी महाराज, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष के दर्शन हुए। श्री पीतांबर देव जी महाराज एक वृक्ष के तले उनके पास ही बैठ गए, विश्राम करने लगे, और वह पुरुष, दिव्य पुरुष इनके पास आया चल के, और कुछ मीठी मीठी वार्ताएं करने लगा श्री पीतांबर देव जी महाराज से। लेकिन उस दिव्य पुरुष की एक बात थी, वो आंखों से आंखें नहीं मिलाता था, बाकी चेहरे पर बहुत अपार तेज था, रूप झलमला रहा था, उसकी चेष्टाओं में योग सिद्धि विराजमान थी, ऐसा दिव्य पुरुष, ऐश्वर्यशाली, भक्ति में जीवन और योग में जीवन, ये सब अंगों में झलक रहा था, लेकिन आंखों से आंख न मिला के, और वो कभी पत्थरों से बात कर रहे हैं, कभी भूमि से, जमीन से बात कर रहे हैं, कभी पेड़ों से बात कर रहे हैं, इस तरीके से पीतांबर देव जी से आंखों से आंख न मिला उनसे बात कर रहे हैं। पीतांबर देव जी महाराज उन बातों को सुन सुन के उनका उत्तर देने लगे, वो प्रश्न कर रहे हैं और वो उत्तर देने लगे, पीतांबर देव जी महाराज उनके उत्तर देने लगे, तो उन्होंने समझ लिया अपने मन में क्या समझा उन सिद्ध ने, कि ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़े सिद्ध हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की, पीतांबर देव जी को उन्होंने समझ लिया, अरे भाई ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़े सिद्ध हैं, अपने से भी श्रेष्ठ समझ के, और उनका सम्मान किया उन सिद्ध ने, और सम्मान किया। पीतांबर देव जी महाराज बोले, हे सिद्ध जी, हमारी तुम्हारी वार्ता तो हुई, लेकिन अब हमको थोड़ी भूख लग रही है। सिद्ध जी बोले, आज तो एकादशी का दिन है, आज तो एकादशी का दिन है। तो एकादशी का दिन है, हाँ, आप एकादशी व्रत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उनको भी मालूम है कि रहते हैं कि नहीं, सिद्ध को भी मालूम है, लेकिन पूछ रहे हैं। श्री पीतांबर देव जी महाराज बोले, एकदशा एकादशी एक इष्ट व्रत एक, बिहारी दास हरिदास के भजन अनन्य विवेक। पीतांबर देव जी महाराज बोले, सिद्ध जी, हम तो हमेशा एक दशा में रहने वाले हैं, आप लोगों की तो 15 दिन में एक एकादशी होती है, महीना में 2 होती हैं, हमारी पूरे जीवन की एकादशी है, हम पूरे जीवन एक रीति में बिहारी व्यान के स्वामी जी के अनन्य व्रत धारी हैं, अनन्य व्रत है हमारा। एकादशी का व्रत करने का मतलब क्या होता है प्रेमी जनों,
एकासी भी एक मूर्तिमान देवस्वरूप है। तो देवस्वरूप है तो एकासी में मन होने का मतलब अनन्य भाव इष्ट के चरणों में नहीं है, ये रसकों का कहना है। अनन्य रति नहीं रही, इधर एकासी में मन है, इधर इष्ट में मन है, तो अनन्य भाव कहां रहा है? एक दशा एकादशी, एक इष्ट व्रत एक, एक इष्ट एक ही व्रत, अनन्य व्रत इष्ट के चरणार बिंदों में अनन्य व्रत होना चाहिए। वदन्तु वाचा हरिदास नाम, नमन्तु मूर्धना हरिदास पादम, स्मरन्तु बुद्ध्या हरिदासमेव, त्यजन्तु सर्वं हरिदास्तोन्यम्। स्वामी जी के चरणारविंद के अलावा और हमको कुछ नहीं चाहिए। बिहारी विहारन के अंत में विराजमान है, हरिदास के नो हरि आप बिहारी, बिहारिन दास के भेद में। श्री हरिदास को लोड़ा कहाए कैसे कऊ और पे जाचो, तो व्रतहीन मलिन कहें साख सदा सतसंगत बाचो। श्री बिहारिंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज के दास होके अगर और किन्हीं क्षुद्र देवताओं से हम याचना करते हैं व्रतहीन मलिन माने जाएंगे। इसलिए हमारा सिद्ध जी एक ही व्रत है, एक इष्ट व्रत एक, बिहारी दास हरिदास के भजन अनन्य विवेक, ये पूर्ण विवेक। बिना विवेक बूढ़ गयो वंश, बिना विवेक का भजन काम नहीं देता है। पूर्ण विवेक इष्ट के चरणों में अनन्य रति, तभी इष्ट प्राप्ति होती है, तभी इस जीवन में परम सुख प्राप्त होता है। सिद्ध जी हमारी एक रीति है, फिर भी तुम्हारा भाव है तो आज हम एकासी कर लेंगे, फल ही पा लेंगे, तुम्हारा विचार है शायद। तो कहने का मतलब केवल भूखा रहने से फल पाने से ही नहीं, एकासी का आवरण, एकासी का और एकासी के प्रति भाव, तब एकासी मानी जाएगी। भूखे रहने से एकासी थोड़ी हो जाती है या फल पाने से थोड़ी हो जाती है। लेकिन पीतामृत जी महाराज ने सिद्ध जी का मन रखा, सिद्ध जी ने ठीक है, बहुत सुंदर। कई बार क्या होता है, अपनी रहनी रीति भी दृढ़ रहे और दूसरे का मन भी प्रसन्न रहे, सबते न्यारे और सबके प्यारे, अपना साधन भी खराब नहीं हो, अपने इष्ट की अनन्य भाव भी खराब ना हो और सामने वाले का मन भी प्रसन्न हो, दोनों रीति सबते न्यारे सबके प्यारे, ऐसी रीति भी निभानी होती है। तो सिद्ध जी बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है अच्छा। उन्होंने थोड़ा ऊपर चढ़ के एक आवाज मार दी, आवाज मारी सिद्ध जी ने, आवाज लगाते हुए तत्क्षण लाखों भैंसाओं पे और फल लदे हुए आ गए। बोलो बिहारी जी महाराज, एकाद पे नहीं, लाखों भैंसा बड़े बड़े और उन पर बहुत बड़े बड़े फल लदे हुए आ रहे हैं, और फल का नाम क्या है, सरदा फल, जो वहीं मिलते हैं वो सरदा फल है। उन सिद्ध जी ने एक फल उनमें से लेके, और भैंसा कहां से आए और कहां जा रहे हैं पता नहीं, आवाज के संग आ गए हैं, तो कपिल देव जी हैं ना, आवाज के संग आए भैंसा, लाखों भैंसा आ एक फल लेके और वृक्ष के तले लता के नीचे रखा और उसको अमनिया किया एक फांक। वो दो वैष्णव और भी साथ में हैं, पीतांबर देव जी महाराज हैं और इधर सिद्ध जी हैं, तो उन तीनों ने, दो वैष्णव और श्री पीतांबर देव जी महाराज, तीनों ने उस फल में से एक फांक, एक पतरी सी फांक निकाली, एक ही फांक में तीनों तृप्त हो गए। बोलो बिहारी जी महाराज की, सिद्ध जी ने एक फांक निकाली और एक ही फांक में तीनों तृप्त हो गए, ऐसा फल। इस तरीके से आओ, वो अद्भुत करामाती फल की एक फांक से तीनों के तीनों जब तृप्त हो गए
आनंद मिला और वो सिद्ध जी पीतांबर देव जी को एक विशेष समझ के कि ये सिद्धों के सिद्ध हैं और किसी महा सिद्ध की शरणागति स्वीकार करी है जिनके विषय में हम भी नहीं जानते हैं, वो सिद्ध जी समझ गए इस रहस्य को। और एकांत में उन दो वैष्णवों से भी अलग एकांत में ले गए पीतांबर देव जी को और उनसे विशेष चर्चा करने लगे। श्री पीतांबर देव जी महाराज के हृदय में अघट असीम नित्य विहार रस समाया हुआ है, भंडार है नित्य विहार रस का, जो कोट कोट सिद्ध भी उसका निर्णय निर्धार नहीं कर सकते हैं। वो वस्तु श्री पीतांबर देव जी महाराज के हृदय में विराजमान है। तो वो सिद्ध जी पीतांबर देव जी महाराज से वार्तालाप एकांत में करने बड़े प्रफुल्लित भए, आनंद भए, लेकिन रहस्य को जान नहीं पाए कि इतनी परम वस्तु कौन सी है। महाराज कहते हैं श्री पीताम श्री बिहारन देव जी महाराज, बांके बिरदन विदित बिहारी इच्छा विग्रह धर लीला शव अवतारन पर अवतारी, लक्ष्मी पत ब्रजपत को दुर्लभ इनते कौन बड़ो अधिकारी, नित्य किशोर निरंतर बिहरत सेवत श्री हरिदास दुलारी, अरुण कमल एंडल एंड आयल बांके बिरदन विदित बिहारी। तो जो लक्ष्मीपत ब्रजपति को दुर्लभ है, तो कोई भी कितने बड़े सिद्ध हों इनके अनुगत हैं तो उनके लिए दुर्लभ क्यों नहीं होगा, उनकी समझ में कैसे आएगी वस्तु। तो बहुत चर्चा करने के बाद में सिद्ध जी को महा आनंद आया, लेकिन ये रस रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। आनंद में खूब छाए लेकिन समझ में नहीं आया। महासिद्धों के सिद्ध पीतांबर देव जी महाराज से बड़े प्रभावित हुए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। इस तरीके से श्री पीतांबर देव जी महाराज 7 वर्ष तक आबू पर्वत पर रहे, एक अदना नहीं रहे, उन सिद्धों के बीच में 7 वर्ष तक आबू पर्वत पर और आनंद लिया। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। आगे की और विचित्र कथा है और वो आप प्रेमीजनों आगे श्रवण करें।